पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए एप्लीकेबल है, किस फोर्स के लिए, कंजर्वेटिव के लिए, नॉन कंजर्वेटिव के लिए? ओनली लिख लेना, इस बात को मैंने लिखवाया भी था आप लोगों को। द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, इट इज एप्लीकेबल, इट कैन नेवर बी एप्लीकेबल फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, ठीक है बच्चे, यह कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ाई कर ली अभी तक? हम लोगों ने पढ़ लिया क्या हम लोगों ने पढ़ लिया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम लोगों ने, और पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली ना, क्या चीज? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो लिखो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। साइन कन्वेंशन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक्चुअली रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है इसमें, तो रेफरेंस पॉइंट एक लाइन होगी, उस लाइन से ऊपर और उस लाइन से नीचे। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। ठीक है, यह एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, ओके, अब देखो मान लेते हैं कि कई सारी बॉडीज हैं, एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक बॉडी है, मान लो वन, ये टू है, ये थ्री है, ठीक है, ये कोई फोर है, ठीक है, ये फाइव है, और इन सब का मास, जैसे वन वाले का मास एम वन है, टू वाले का एम टू है, थ्री वाले का एम थ्री है, फोर वाले का एम फोर है, और इसका एम फाइव। ठीक है, इसकी यहाँ से दूरी एच टू है, इसकी एच थ्री है, इसकी एच फोर है, और इसकी एच फाइव। ठीक है, इसकी अगर इस लाइन को हम रेफरेंस लाइन मान लें, क्या मान लें? रेफरेंस लाइन, रेफरेंस, ध्यान से समझना, इस लाइन को अगर हम बच्चे रेफरेंस लाइन मान लें, तो रेफरेंस लाइन पे जो भी बॉडी होगी, चूंकि रेफरेंस लाइन हम मान रहे हैं, तो उसकी जो पोजीशन होगी किसी भी बॉडी की अगर रेफरेंस लाइन पे है, तो उसकी पोजीशन को क्या मानेंगे? जीरो। क्या मानेंगे? जीरो, जीरो। पोजीशन जीरो का मतलब है कि जो है हम लोग जहां से गिनती शुरू कर रहे हैं, अगर उसी लाइन पे कोई पॉइंट है, तो उसकी उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है और इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हम लोग लिखेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, अगर रेफरेंस लाइन से ऊपर है कोई पार्टिकल तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, और रेफरेंस लाइन से अगर नीचे कोई पार्टिकल है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, और रेफरेंस लाइन पे कोई पार्टिकल है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। लिखो इस बात को कि अगर कोई पार्टिकल रेफरेंस लाइन पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। जीरो। अगर कोई पार्टिकल रेफरेंस लाइन के ऊपर है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी, और कोई पार्टिकल अगर रेफरेंस लाइन से नीचे है तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो निगेटिव होगी। ठीक है, तो अगर हम इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लिखे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा बच्चे? तो आप लिखोगे इसको पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू एम वन की क्या हो जाएगी? एम वन इंटू जी इंटू जीरो। चलेगा? Yes, मैं आपको दिखा रहा हूं, बाकी आप इसको जीरो कर लेना बात। ठीक है, टू वाले की क्या होगी मेरे बच्चे? एम टू जी एच टू। ठीक, पॉजिटिव होगी, क्यों? क्योंकि रेफरेंस लाइन से ऊपर है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, थ्री वाले की क्या होगी भाई? एम थ्री जी एच थ्री होगी कि नहीं होगी? यस सर। फोर वाले की बताओ?
माइनस एम फोर जी एच फोर, फाइव वाले की हो जाएगी माइनस एम फाइव जी एच फाइव। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन पे, अगर रेफरेंस लाइन हम कहीं पे भी ले सकते हैं, रेफरेंस हम कहीं पे भी ले सकते हैं, ये हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा है, ठीक है। रेफरेंस लाइन से ऊपर जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉजिटिव, रेफरेंस लाइन से जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सॉरी रेफरेंस लाइन पे जो भी पार्टिकल होगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, रेफरेंस लाइन से ऊपर जो भी पार्टिकल होगा उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी, और रेफरेंस लाइन से नीचे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो भी पार्टिकल होगा जिसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर आप बताओगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी उसकी नेगेटिव होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई सिस्टम ऑफ पार्टिकल की, तो दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. ठीक है, इस साइन कन्वेंशन को आप याद रखना कि रेफरेंस लाइन पे जीरो, रेफरेंस लाइन से ऊपर पॉजिटिव, रेफरेंस लाइन से नीचे नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे देखो, क्या पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड करेगी? नो सर, पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। वो हमेशा किस पे डिपेंड करती है बच्चे? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। क्या पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एप्लीकेबल है कि नॉन कंजर्वेटिव के लिए एप्लीकेबल है? कंजर्वेटिव, सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए एप्लीकेबल है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्या वर्क एनर्जी थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं कंजर्वेटिव के लिए, नॉन कंजर्वेटिव के लिए, या दोनों के लिए? सर दोनों के लिए। वर्क एनर्जी थ्योरम दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। आइदर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कंजर्वेटिव और द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है बच्चे, तो अब आगे लिखते हैं, थोड़ा सा लिखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने लिख लिया था, लिखा था कि नहीं बताओ? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी mgh, कितनी mgh, कितनी mgh? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस किस पार्टिकल में आएगा भाई, किस बॉडी में आएगा? जो बॉडी क्या होगी? इलास्टिक हो, जो बॉडी क्या होगी? इलास्टिक, ठीक है। जैसे स्प्रिंग फोर्स सिस्टम या स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी? हाँ होगी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पेंडुलम में कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, उसमें इलास्टिक नहीं होगी। क्लियर है? तो देखो, एक स्प्रिंग है, पहले तो हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से पहले हम लोग स्प्रिंग की थोड़ी सी जो है ना चीजें देख लेते हैं कि स्प्रिंग है क्या, क्या चीज क्या होती है स्प्रिंग में, ये बात ध्यान से देखते हैं। थोड़ा सा स्प्रिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, तो स्प्रिंग है ये, मान लो ये स्प्रिंग हो गई किसी मटेरियल की बनी हुई है, और स्प्रिंग जो होती है वो इलास्टिक होती है। क्या होती है? इलास्टिक, ठीक है। स्प्रिंग की ये जो लेंथ है, विदाउट एक्सटेंशन विदाउट कंप्रेशन जो लेंथ उसकी होती है, उस लेंथ को हम लोग कहते हैं नेचुरल लेंथ। इसको बनाओ और लिखो, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लेंथ। क्या कहते हैं इसे? नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ कहते हैं इसे। स्प्रिंग का ये नेचुरल लेंथ होता है, ठीक है। स्प्रिंग का एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग के कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे? के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। इसकी यूनिट जो होती है बच्चे वो होती है, लिख लो, न्यूटन पर मीटर। लेंथ मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो, इस स्प्रिंग को हम लोग क्या करें, एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो कभी भी स्प्रिंग को अगर एक्सटेंड करना चाहते हो, या एक्सटेंड करना मतलब इलोंगेट करना, कंप्रेस करना मतलब उसको दबाना,
तो अगर स्प्रिंग को इलांगेट करोगे, स्टेंड करोगे, तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, और कंप्रेस करोगे तो उसकी लेंथ घटेगी। ठीक है, अब देख हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं कि एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग से बंधा हुआ एक मास है, उस स्प्रिंग से बंधा हुआ एक मास है। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं बच्चे इसे? स्प्रिंग मास सिस्टम। ये एक मास है, ब्लॉक है जिसका मास m है, और ये स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो कितना है, k है। ठीक है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट है ये, स्प्रिंग कांस्टेंट k। ठीक, कांस्टेंट k, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ठीक है बच्चे, ओके। अब क्या करें, इस स्प्रिंग की ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग कहते हैं नेचुरल लेंथ। क्या कहते हैं इसे, नेचुरल लेंथ। ये एल है, अगर एक्सटेंड नहीं हुई है, इलांगेट नहीं हुई है, कंप्रेस नहीं हुई है, तो जो उसकी लेंथ है उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लेंथ। अब देखो, इस स्प्रिंग को आपने एनालिसिस किया होगा कि जब हम कभी किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो खींचने में हमको फोर्स लगाना पड़ता है, और हम फोर्स लगाते हैं तो चूंकि क्या होता है कि हमने इस स्प्रिंग पे एक फोर्स लगाया, मान लो इस फोर्स से उस स्प्रिंग को हम लोग खींचना शुरू करते हैं, तो जैसे जैसे हम स्प्रिंग को खींचते जाते हैं ना, हमारे फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाती। अगर फोर्स की वैल्यू ना बढ़े तो वो स्प्रिंग वहीं पे, सॉरी, अगर हम फोर्स की वैल्यू ना बढ़ाए तो वो स्प्रिंग वहीं पे रुक जाए, फिर आगे नहीं बढ़े। कहने का मतलब है कि जो ये फोर्स लगाते हैं हम लोग ना, ये एक वेरिएबल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। अच्छा, जब हम इस बॉडी को या इस स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं ना, या इस बॉडी को जब हम खींचते हैं, खींच के मान लो यहां तक पहुंचा दिया हमने, और यहां तक पहुंचाया, तो यहां पहुंचाने के बाद जब हम इसको छोड़ते हैं ना, तो ये अपने से फिर से वापस आती है। फिर से वापस इसलिए आती है क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने का मतलब है कि इस पे एक फोर्स लगता होगा जो कि इस बॉडी को वापस खींचता होगा। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं उसे, रिस्टोरिंग फोर्स। लिखो इसे, ए रिस्टोरिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ स्प्रिंग, सॉरी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी बाय द स्प्रिंग, ड्यू टू विच बॉडी विल कम इनटू इट्स इनिशियल पोजीशन, या बॉडी मस्ट कम टू इट्स इनिशियल पोजीशन। जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो जैसे जैसे हम स्प्रिंग को खींचना शुरू करते हैं ना, और हमने आपको बताया था कि हम जब स्प्रिंग को खींच के छोड़ते हैं तो स्प्रिंग अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आती है। तो ठीक है, ये तो सही है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, क्यों स्टोर होती है, क्योंकि इलास्टिक बॉडी पे एक रेस्टोरिंग फोर्स लगता है। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या हुआ कि वो बॉडी फिर से स्टोर करती है चीजों को। अब मतलब किसको स्टोर करती है, अपनी पोजीशन को रिस्टोर करती है, अपनी पोजीशन पे वापस आना चाहती है। तो अपनी पोजीशन पे वापस आने के लिए वो क्या करती है, उस बॉडी पे एक अपोजिट फोर्स लगाती है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है। जितना आपने लगाया है उस फोर्स का जस्ट अपोजिट फोर्स लगाती है, जिससे कि वो बॉडी फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस है। आज मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? यस सर। आई समझ में ही नहीं आई, ये बताओ। आई सर। हमने एक फोर्स लगा के, ये वाला जो फोर्स है वो किसके कारण है, अपने हमने हमारे कारण है, उसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे। हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस बॉडी को खींचना शुरू करते हैं ना, तो स्प्रिंग भी क्या करती है, जितना फोर्स हमने लगाया है, अगर बॉडी को एक्सेलरेट नहीं कर रहे हम, तो ये स्प्रिंग उतना ही फोर्स लगाती है जितना हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। धीरे 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 बॉडी को खींचते हैं, तभी हमको पता चलता है कि इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। आप जल्दी से खींचते तो आपको पता नहीं चलता, नहीं चलता है। तो आप इस बात को लिखना कि हम जब किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, किसी मास को, या आप ऐसे लिख सकते हो कि हम किसी मास को जब एक्सटेंड करते हैं,
जो कि स्प्रिंग से बंधा हुआ मास है, तो वो मास को जब हम एक्सटेंड करना शुरू करते हैं तो स्प्रिंग भी एक फोर्स लगाती है जो कि मेरे फोर्स के अपोजिट फोर्स होता है। क्लियर है? ठीक है, इस फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं इसे? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स, इस बात को लिख लो कि एक फोर्स जो कि रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जो कि हमारे फोर्स का क्या करता है, अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है, हमारे फोर्स का अपोज करता है। ठीक है, हमारे फोर्स का क्या करता है? अपोज करता है। क्लियर है? ठीक है, हमारे फोर्स का क्या करता है? अपोज। अब देखो, हाँ, अपोज करता है, विरोध करता है, विरोध करता है। जैसे ही हम इसको यहां से एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हैं ना, बॉडी वापस तुरंत अपनी पोजीशन पे वापस इसलिए आती है क्योंकि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो नेट फोर्स का काम करता है और बॉडी को इनिशियल पोजीशन पे ले आता है। ठीक है, तो इस बात को लिखो, लिखो, मान लो कि ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमने एक्स एक्सटेंड कर दिया। कितना एक्सटेंड कर दिया? एक्स। कितना एक्सटेंड किया? एक्स। क्लियर है बच्चे? मान लेते हैं इस ब्लॉक को हमने कितना एक्सटेंड कर दिया? एक्स एक्सटेंड कर दिया। या इस स्प्रिंग को हमने कितना एक्सटेंड कर दिया? एक्स एक्सटेंड कर दिया। तो जब हमने इस स्प्रिंग को एक्स एक्सटेंड किया है ना, तो इस स्प्रिंग पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, लिख लो, वो रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है? वो रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होता है माइनस ऑफ के इंटू एक्स के। माइनस ऑफ के इंटू एक्स। माइनस ऑफ के इंटू एक्स। माइनस क्यों? माइनस क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स अपोजिट लग रहा है। ठीक है, माइनस क्या शो कर रहा है? कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इनटू एक्स। के इनटू एक्स, यही जो रिस्टोरिंग फोर्स है, इस रिस्टोरिंग फोर्स के कारण जो वर्क होगा, इस रिस्टोरिंग फोर्स के कारण जो वर्क होगा, उसी वर्क को हम लोग कहते हैं वर्क ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। या सॉरी, इसी रिस्टोरिंग फोर्स के कारण जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। जैसे आप याद करो, हमने कल बताया था कि एक ब्लॉक है, यहां से इसे हम ऊपर ले जा रहे हैं, यहां पहुंचा रहे हैं, तो हमने कहा था mg के कारण कितना वर्क होगा। तो आप लोगों ने mg के कारण वर्क निकाला था कि नहीं, ये बताओ। अरे निकाला था कि नहीं? अरे निकाला था कि नहीं? mg के कारण, मान लो एच हाइट पे ले गए हम, तो mg के कारण वर्क कितना आया था? माइनस ऑफ mg h आया था कि नहीं आया था, ये बताओ। यस सर। कैसे आया था माइनस ऑफ mg h? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों किस डायरेक्शन में था? अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट, और आपने निकाला जब, उसके बाद आपने क्या कहा था कि भैया mg के कारण जो वर्क है क्या वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है? हाँ, वही पोटेंशियल एनर्जी। यस, यही तो किया था। Yes, अगर sir. ये mg यहाँ नहीं लगता तो क्या बच्चे ये बॉडी अपने से नीचे पोजीशन पे आ जाती कि नहीं आती? नहीं आती। तो ये mg ही था जो कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा था, तो इस mg के कारण जो वर्क था वही पोटेंशियल एनर्जी था, वही पोटेंशियल एनर्जी था। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? कौन स्टोर करा रहा है एनर्जी को? रिस्टोरिंग फोर्स। अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगता तो बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं आती। बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं आती, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही बॉडी इनिशियल पोजीशन पे वापस आती है। तो इस रिस्टोरिंग फोर्स के कारण जो वर्क होगा, वो वर्क ही क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर है? तो लिख लो इस बात को लिखो कि इलास्टिक बॉडी में,
इलास्टिक बॉडी में एक रेस्टोरिंग फोर्स लगता है जिसकी वजह से बॉडी बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आती है, या ये रेस्टोरिंग फोर्स ही है जो कि बॉडी को अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस लेके आता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है बच्चे। यस सर। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा किधर लगेगा? रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट लगता है। यस सर। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट लगता है। रिस्टोरिंग फोर्स उस दिशा में लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स उस दिशा में लगता है जिस दिशा में या जिससे कि स्प्रिंग अपने नेचुरल पोजीशन पे वापस आ जाए। क्लियरिटी आई? रिस्टोरिंग फोर्स उस दिशा में लगता है जिससे कि इलास्टिक बॉडी या स्प्रिंग अपनी नेचुरल पोजीशन में वापस आ जाए। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये वो फोर्स है जो कि इलास्टिक बॉडी लगाती है जिससे कि वो अपनी इनर्शिया को मेंटेन कर सके, अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ सके। क्लियर है? यस। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं बच्चे कि यहाँ तो हमने बॉडी को एक्सटेंड किया था, एक्सटेंड करेंगे तो क्या इसकी नेचुरल लेंथ को हमने छेड़ा कि नहीं छेड़ा? छेड़ा। तो हमने छेड़ा, हमने इसको बढ़ाया, तो ये वाला जो फोर्स है, चूंकि हमने बढ़ाया, नेचुरल लेंथ यहाँ पे है इसकी, हमने इसे यहाँ कर दिया, तो ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स इस बॉडी को क्या करेगा कि ऐसा है बॉडी तुम इधर चली जाओ जिससे कि ये जो स्प्रिंग है ना उसका नेचुरल लेंथ में पा सकूं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने इसको बढ़ाया, नेचुरल लेंथ यहाँ पे है, तो ये इस लेंथ को घटा के फिर से नेचुरल लेंथ पे लेके आएगा, करेगा कि नहीं काम ये? Yes, sir. सोच के देखो। अच्छा, मैं आपसे कहूं बच्चे ये देख, इस स्प्रिंग को मैंने ऐसे किया, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। हमने क्या किया कि इसको यहां से एक फोर्स लगाया ऐसे, और इसको यहां कर दिया। जी। अभी स्प्रिंग की लेंथ घटी की बढ़ी? घटी। तो मेरी बच्चे क्या आप बता सकते हो कि रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा इस बॉडी पे? इधर साइड, राइट साइड, जिससे कि ये क्या हो सके, वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ सके। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कैसे भी, क्लियर? रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा हमेशा उस दिशा में लगता है जिससे कि इलास्टिक बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस है। और कितना लगता है? स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? यस सर। आगे चलें, तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा FR = -K×S, जहां x क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग, या इलॉन्गेशन या एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग या कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम विच लेंथ? नेचुरल लेंथ। इट्स इंपॉर्टेंट, elongation या compression of the spring from natural length, elongation or compression of the elastic body from NL
natural length. Natural length. From natural length. ठीक है. Yes. कोई दिक्कत? No sir. ठीक है. अच्छा. अब देखो. जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, क्या एक्सटर्नल फोर्स हमेशा रेस्टोरिंग फोर्स के निगेटिव होगा? यस सर. या नहीं होगा? होगा. होगा ना. भाई एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में, एफ आर इस डायरेक्शन में. एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में, एफ आर इस डायरेक्शन में. हमेशा रेस्टोरिंग फोर्स का क्या होगा? अपोजिट. इस बात को लिख लो. एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द always opposite to the opposite to the क्या रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है बच्चे, क्लियरिटी? यस. अब देखो, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, ये रिस्टोरिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव? स्प्रिंग फोर्स, इसको हम लोग स्प्रिंग फोर्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसे? स्प्रिंग फोर्स. लिखो. स्प्रिंग फोर्स भी कहते हैं. ये एफ आर जो है रिस्टोरिंग फोर्स, आइदर दे विल बी नोन एज स्प्रिंग फोर्स. तो स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव. तो लिखो, इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स. इट्स अ कंजर्वेटिव. और ये अगर कंजर्वेटिव है तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे. इसका वर्क डन? यस सर. क्लियर है. दूसरी चीज, क्या यहाँ हम पोटेंशियल एनर्जी लगा सकते हैं? यस सर. क्लियर है. ठीक है. yes, अब क्लियरिटी आ रही होगी धीरे धीरे आपको. तो मैं अगर आपसे कहूँ कि बच्चा रे मेरे, ये बताओ कि रिस्टोरिंग फोर्स के कारण वर्क डन कितना होगा? लिखो लिखो. वर्क डन बाय द रिस्टोरिंग फोर्स या वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स. वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स फोर्स आर स्प्रिंग फोर्स. वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स आर स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स हम लोग जानते हैं बच्चे, एफ आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इन टू एक्स. ठीक. इसके कारण जो वर्क डन होगा, क्योंकि हम लोग वर्क, क्योंकि अच्छा ये देखो, रिस्टोरिंग फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स? वेरिएबल. इट्स अ वेरिएबल फोर्स. वेरिएबल क्यों है? क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे. जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ाते हैं, वैसे वैसे ये फोर्स की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है. कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप स्प्रिंग को खींचोगे, वैसे वैसे आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी. जैसे जैसे आप स्प्रिंग को खींचोगे, वैसे वैसे आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी. इस बात को नोट कर लेना. क्लियर है? जैसे जैसे आप स्प्रिंग को खींचोगे, वैसे वैसे आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी. इस बात को नोट कर लेना. ठीक है. स्प्रिंग को जैसे जैसे आप खींचोगे, मतलब एक्स की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे एफ आर बढ़ेगा. जैसे जैसे एफ आर बढ़ेगा, वैसे वैसे एफ एक्सटर्नल बढ़ेगा.
क्लियर? ठीक, अब आ जाओ बात करते हैं, लिखो वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स। वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स कितना होगा भाई? चलो माइनस टू स्क्वायर है, तो W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन क्या हो जाएगा भाई? वेरिएबल फोर्स के लिए बोलो, वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स क्या हो जाएगा? dW इज इक्वल टू वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या हो जाएगा भाई? dW इज इक्वल टू F डॉट dx। dr होता है क्योंकि x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हम दिखा रहे हैं, इसलिए हम लोग यहां F डॉट dx लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो ये देखो, रिस्टोरिंग फोर्स के कारण वर्क डन, तो dW इज इक्वल टू FR की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ kx dx है कि नहीं बोलो? यस सर। क्लियर है? इसे हम क्या कर दें? इंटीग्रेट। क्या कर दें? कहां से कहां? जीरो से लेके मान लो इनिशियल पोजीशन पे, उसकी इनिशियल पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। इनिशियल पोजीशन पे हमने उसका डिस्प्लेसमेंट क्या माना? जीरो। या इसे xi कर लो, ना अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो यहाँ कर लो xi और यहाँ कर लो xf, चलेगा क्या? यस सर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा xi पे मान लो वर्क डन जीरो, xf पे वर्क डन w, तो ये हो जाएगा w इज इक्वल टू माइनस ऑफ k, बाहर ले लो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस ऑफ के बाई टू एक्स एफ का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा बताओ? ठीक है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे माइनस ऑफ के बाई टू एक्स एफ का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, अगर एक्स आई जीरो है, एक्स आई जीरो है और एक्स एफ मान लो एक्स है, तो डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा? यहां लिख लेना, इफ एक्स आई जीरो और एक्स एफ एफ एक्स है, तो डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ऑफ के बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू के एक्स स्क्वायर। ठीक है? Yes, sir. कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. ठीक है, चले आगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई? माइनस ऑफ वर्क डन। यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस ऑफ वर्क डन, माइनस ऑफ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो यू किसके बराबर हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, लिख लो, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलास्टिक बॉडी, दिस मच ऑफ एनर्जी विल स्टोर इन दैट बॉडी, इतनी एनर्जी उस बॉडी में क्या होगी? स्टोर होगी। This much of energy will store in that body. ठीक है? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है ना? ये वर्डन बाय स्प्रिंग है, वर्डन बाय स्प्रिंग लिख लेना इसको, दिस इज वर्डन बाय स्प्रिंग।
जितना स्प्रिंग के कारण वर्क होगा वही तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। नहीं आया सर? आ गया पक्का ना? यस सर। चलो आगे चले। तो ये स्प्रिंग के कारण पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इतनी स्प्रिंग में स्टोर होगी, ठीक है। अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दिया है तो स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, डेल्टा यू निकाल सकते हो आप। डेल्टा यू इज इक्वल टू, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो आप, क्या हो जाएगा, हाफ के फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर, दिस मच ऑफ एनर्जी इनिशियल से फाइनल दिया हुआ है तो, ठीक है। इनिशियल से क्या दिया हुआ है, अगर फाइनल दिया हुआ है तो। यस सर। अच्छा अब देखो, लिखो आगे लिखो। हम लोग बात करेंगे थोड़ी थोड़ी ग्राफ की। लिखो ग्राफ, किसका ग्राफ की, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स की। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स की, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स फॉर एन आइडियल स्प्रिंग, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्स फॉर एन आइडियल स्प्रिंग, कैसा ग्राफ बनता है देखो। देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई भाई स्प्रिंग की, हाफ के एक्स स्क्वायर आई कि नहीं बच्चे ये बताओ, आई ना? यस सर। क्लियर है? अच्छा अगर पोटेंशियल एनर्जी को हम मान लेते हैं वाई एक्सिस पे और इस पे हम एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं एक्स को, तो ये देख बच्चे पोटेंशियल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, कि भाई के तो कांस्टेंट, किसी स्प्रिंग के लिए के क्या होगा, कांस्टेंट। इस बात को याद करना के किसी भी स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट होगा, एक पर्टिकुलर स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट होगा, ऐसा नहीं है कि सारे स्प्रिंग का के एक ही होगा, ठीक है। आपकी स्कूटी में जो स्प्रिंग लगा हुआ है उसका के और आपकी पेन में जो स्प्रिंग लगी हुई है उसका के, दोनों का के डिफरेंट होगा। जिसका के ज्यादा होगा समझ लो उस पर आपको ज्यादा फोर्स लगा के खींचना पड़ेगा, तो स्कूटी वाला स्प्रिंग का जो के होगा वो ज्यादा होगा या आपकी पेन में जो स्प्रिंग लगा है उसका के ज्यादा होगा? स्कूटी वाला ज्यादा होगा। स्कूटी वाला क्यों? क्योंकि स्कूटी वाले को खींचने के लिए आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं बताओ, कभी कभी हो सकता है खींच भी ना पाओ। सर हाँ सर टाइट होता है वो बहुत। आपके बाइक में भी स्प्रिंग लगी हुई है पीछे देखो, ऐसे सॉकर में स्प्रिंग लगी हुई है ना मोटी मोटी सी देखो ऐसे। यस सर। उसका के क्या होगा, और ज्यादा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो फोर्स है स्प्रिंग का, जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग का जो फोर्स है वो के पे भी डिपेंड करता है। अगर के को फिक्स कर दो तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, एक्स पे। और किसी पर्टिकुलर स्प्रिंग के लिए के क्या रहता है, फिक्स रहता है, तो इसलिए उसको कांस्टेंट कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। किसी पर्टिकुलर स्प्रिंग के लिए के कांस्टेंट है तो उसे स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यू किसके प्रोपोर्शनल है, यहां देखो हम लोग ग्राफ खींच रहे थे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स स्क्वायर का कर्व, तो एक्स स्क्वायर का कर्व पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स स्क्वायर का कर्व, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का कर्व खींच रहे हैं। तो यहां देखो कि जो इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के टर्म में, तो पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर का टर्म है, इसका मतलब है कि जो भी कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, पैराबोलिक, कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताओ, पैराबोला बनेगा ना, अरे बनेगा कि नहीं बताओ। यस सर। अच्छा अब देखो पैराबोला कैसा बनता है भाई, एक्स की वैल्यू बढ़ाते हो, यहां देखो एक्स की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, स्प्रिंग फोर्स हमेशा क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अरे नहीं आया सर? आ गया पक्का ना भाई, एक्स की वैल्यू 1 रखो,
तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी हो गई u इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 2 रखो तो u इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 3 रखो तो u इज इक्वल टू 9, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक, अच्छा x की वैल्यू माइनस 1 रखो तो u कितना होगा? 1, x की वैल्यू 2 रखो u 4, सॉरी u x की वैल्यू माइनस 2 रखो u 4, x की वैल्यू माइनस 3 रखो u 9, तो चाहे प्लस रखो चाहे माइनस रखो, चाहे प्लस रखो चाहे माइनस रखो, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है स्प्रिंग को चाहे दबाओ चाहे उसे फैलाओ, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। तो देखो एक्स की वैल्यू हमने जीरो रखा, ग्राफ खींचते हैं, x की वैल्यू 0 रखा तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0, x की वैल्यू मैंने 1 रखा, मान लो 1 रखा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी ऐसे, x की वैल्यू 2 रखा पोटेंशियल एनर्जी फिर बढ़ी ऐसे, x की वैल्यू 3 रखा 4 रखा ऐसे बढ़ती है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पॉजिटिव x में है और इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव x में। तो जो ग्राफ होता है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x का ये होता है, तो बना लो दिस इज द ग्राफ फॉर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x। This is the graph for potential energy versus x. Of an ideal spring. For an ideal spring. और हम लोग जब भी बात करेंगे किसकी बात करेंगे? Ideal spring की बात। Ideal spring. ठीक है, जब भी हम लोग बात करेंगे ideal spring की बात। Clear है? कोई दिक्कत? No sir. ठीक है। क्लियरिटी, आगे चले। अब लिखो, आगे लिखो। हाँ जी सर। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, क्या बात करें और हाँ बात कर लेते हैं। लिखो एनर्जी कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। Conservation of mechanical energy. Conservation of mechanical energy. Mechanical energy में कौन कौन सी एनर्जी है यहाँ पे? दो एनर्जी। कौन कौन सी? एक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी ग्रेविटेशनल काइनेटिक। पोटेंशियल में ग्रेविटेशनल आ गई ना। मैकेनिकल एनर्जी में हमारी दो एनर्जी है, कौन कौन सी है? एक पोटेंशियल एनर्जी है, दूसरी काइनेटिक एनर्जी। दूसरी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो देखो हम लोग अगर बात करें, लिख लेना कि पोटेंशियल यहाँ मैकेनिकल एनर्जी में हमारी दो टाइप की एनर्जी, दो टाइप की कौन कौन सी है? एक हमारे पास है मैकेनिकल एनर्जी में दो टाइप की एनर्जी है, एक हमारे पास एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरे पास दूसरी हमारी हमारे पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों के सम को हम लोग कहते हैं टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है बच्चे? यस सर। ठीक है, अब देखो इन दोनों के सम को पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों के सम को कहते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। और उसे कहीं कहीं आप देखोगे, कहीं कहीं आप देखोगे टी से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं आप देखोगे कि उसे ई से डिनोट करते हैं। टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल। ठीक है, अगर कहीं एनर्जी कंजर्वेशन की बात आ रही है, एनर्जी वही कंजर्व होगी जहां कंजर्वेटिव फोर्स हो। जहां कौन सा फोर्स होगा? कंजर्वेटिव। बिना कंजर्वेटिव फोर्स के एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। नहीं होगी। क्लियर है? कंजर्वेशन का मतलब होता है कि अगर हम चाहें तो उसे फिर से वापस, अगर हम चाहें तो फिर से वापस चीजों को कर सकते हैं। हमने जो किया है
हम चाहें तो फिर से वापस उस पोजीशन पे ले आ सकते हैं उस चीज को। मतलब हमने हमने अगर कोई काम किया है, वो काम हुआ, तो हम उस काम से वापस फिर से अपनी एनर्जी ले लें, यही कंजर्वेशन। यस सर, ठीक है, यही क्या है कंजर्वेशन। जैसे अब आप सोच के देखो, हाँ सोच के देखो, अगर आप तो स्प्रिंग पे कोई फोर्स लगा होगा और लगा के आपने उसे एक्सटेंड किया, ठीक, एक्सटेंड हो गई स्प्रिंग, काम कर दिया आपने, लेकिन आप स्प्रिंग को छोड़ो, फिर से स्प्रिंग अपनी पोजीशन पे आ जाती है। इसका मतलब क्या किया उसने, उसने जितना आपने काम किया उसने भी उतना ही काम करके आपको दे दिया, बोली कि ये लो तुम्हारा काम तुमको वापस। क्लियर है ना? यस सर, यस सर। ठीक, अब ऐसे समझो जैसे कि आपने ना डैम बनाया, डैम बना के उसमें पानी स्टोर किया, और मान लो पानी स्टोर करने का साधन नहीं है, आपने बिजली बनाया, बिजली बना के पानी स्टोर किया उसमें, मान लो साधन नहीं है, टिहरी में एक्चुअली वो बांध है, बांध बना के भाई उस पानी को जो जो वहां से ऊपर से आ रहा है उसको रोकते हैं, यही तो करते हैं वहां पे। Yes, ऐसा आपके पास सिस्टम नहीं है, मान लो जैसे आपके घर में टंकी है ऊपर, तो आप क्या करते हो कि जो है लाइट आती है तुरंत पानी चलाते हो, टंकी में पानी स्टोर कर लेते हो ऊपर छत पे, कर लिया, और जब आपको जरूरत पड़ती है तुरंत टोटी खोलते हो पानी वापस आ जाता है। तो इधर से पानी चढ़ाया आपने और उधर से वापस ले लिया उससे। तो कहने का मतलब है देखो, जैसे हम डैम पे देखें तो हमने पानी वहां स्टोर किया, उसके बाद हम वहां से पानी छोड़ते हैं और नीचे हमारे टर्बाइन लगे होते हैं जिससे कि बिजली बनती है। तो हमने एक एनर्जी तो वहां अप्लाई की उसको स्टोर करने में, और फिर वहां से हमने उसे छोड़ा तो दूसरी एनर्जी हमको यहां से मिली बिजली के रूप में। तो यहां एनर्जी क्या रही, कंजर्व रही। हमने एनर्जी लगाई स्टोर करने में, फिर हमने उसे छोड़ दिया और वो यहां आके बिजली बना दी। तो एक एनर्जी वहां स्टोर करने में वो हमने करके दे दिया, अब वो वापस फिर से, अब उसका काम है, उसने क्या किया, उस टर्बाइन को चलाया और फिर से वापस बिजली बना दिया। क्लियर है? तो एक एनर्जी दे दिया उसने, तो क्या वहां पे एनर्जी कंजर्व रही? हाँ रही। इसका मतलब वहां जो कुछ भी है वो कंजर्वेटिव है कि नहीं है? कंजर्वेटिव। यस सर। क्लियर है? लेकिन अगर हम देखो, अगर आप ध्यान से देखो कि हम ऐसा करें, ऐसे हाथ से रगड़े, ऐसे एक दूसरे पे हाथ रगड़े ऐसे, तो हीट प्रोड्यूस होती है कि नहीं होती है? होती है। यस सर। और हम चाहें कि जो हीट हमने प्रोड्यूस करी है उससे फिर से हमारे हाथ में एनर्जी आ जाए तो नहीं आएगी? फिर से वापस वो उस इनिशियल पोजीशन पे आ जाए तो नहीं आएगी? तो कहने का मतलब है कि हीट के कारण हम फिर से वापस वर्क नहीं ले सकते। क्लियर है? तो वो कंजर्वेटिव नहीं है, ठीक। तो यहां हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज नहीं कर सकते। कहने का मतलब है हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वही अप्लाई कर सकते हैं जहां कंजर्वेटिव फोर्स होगा। आप देखो, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी की, तो हमारे पास बच्चे कैसे प्रूव करते हैं, इसे देख लो छोटा सा है कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, कौन से, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम भाई, क्या कहता है बताओ? कहता है कि ऐसा है बच्चे कि वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस सर। वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब देख, वर्क डन बाय नेट फोर्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स, नेट फोर्स में कौन कौन सा फोर्स है? नेट फोर्स में है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, प्लस कोई और फोर्स, या दो ही, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। चलो, तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को सम करके हम किसके बराबर कर लेते हैं, क्या ये वर्क नेट है? हाँ ये वर्क नेट है। और ये बराबर किसके होता है, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, होता है कि नहीं होता है बोलो? यस सर। क्लियर है?
और हम पोटेंशियल एनर्जी को जानते हैं, किसको? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके किसके लिए एप्लीकेबल है, कंजर्वेटिव के लिए कि नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, यही तो होगा? यस सर। नहीं आई बात सुन? आई सर। भाई पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन होता है कि नहीं, माइनस ऑफ वर्क डन होता है कि नहीं? Yes, किसके वर्क डन के लिए, कंजर्वेटिव के लिए कि नॉन कंजर्वेटिव के लिए? कंजर्वेटिव के लिए। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कंजर्वेटिव, या पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियरिटी है कि नहीं ये बताओ? है सर। अब देखो यहाँ देखो, कंजर्वेटिव की बात अगर हम करें तो डब्ल्यू सी की जगह हम माइनस ऑफ यूसी लिखते चलेगा क्या? यस सर। या इसे हम ऐसे लिख दें बच्चे कि डेल्टा यूसी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू सी, चलेगा क्या? चलेगा? yes, बोलो बच्चे। तो देखो अगर हम इस डब्ल्यू सी की जगह माइनस ऑफ डेल्टा यूसी लिख दें तो कोई दिक्कत है? तो डब्ल्यू सी की जगह लिख रहे हैं माइनस ऑफ डेल्टा यूसी, माइनस ऑफ डेल्टा यूसी प्लस डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू एन सी इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अप्लीकेबल है। लिखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अप्लीकेबल फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अप्लीकेबल फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, अप्लीकेबल फॉर कंजर्वेटिव फोर्स सो इसलिए डेल्टा डब्ल्यू एन सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? यस सर। ये क्या हो जाएगा? जीरो होगा। क्यों कर रहे हैं जीरो हम इसको? क्योंकि हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। जीरो वहां है ही नहीं कोई, तो लिखो सीधा सीधा ये हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा यू सी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, ठीक है? इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि डेल्टा यू सी प्लस डेल्टा के ई इज इक्वल टू जीरो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? ये लिख सकते हो रे बच्चे? यस सर। ठीक, अब देखो यहां से हम लिखें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई? फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, बराबर किसके? जीरो के। जीरो के। तो देखो इनिशियल इनिशियल एक तरफ कर लो, फाइनल फाइनल एक तरफ कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है? ठीक है। अब देखो जितनी एनर्जी इनिशियल में थी क्या उतनी एनर्जी फाइनल में है? यस सर। तभी तो बराबर होंगे। यस सर। इस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को क्या कहते हैं हम लोग? टोटल एनर्जी। यस सर। टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी या एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल। फाइनल। या कह सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। कह सकते हैं ना? यस सर। नहीं कह सकते? कह सकते सर। ठीक है, है?
दिस इज कॉल्ड वाज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, क्या कहते हैं इसे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है, बोलो रे बच्चे। टोटल मैकेनिकल, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, किसके लिए, किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अप्लीकेबल होगा ये वाला कि नॉन कंजर्वेटिव के लिए भी, कंजर्वेटिव के लिए, तो लिख लेना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहीं अप्लाई करोगे जहां कंजर्वेटिव फोर्स होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई नहीं करोगे। पता चला एनर्जी कंजर्वेशन का अप्लाई कर दिया आपने और मार माथा पीट रहे हो कि हमारा ये आंसर है, वहां एक आंसर जरूर होगा ऐसा, ठीक है। यस सर, कोई दिक्कत, नो सर, नो सर, क्लियर है। आप देखो, यस सर, अब मैं आपको सिखाता हूँ चीजें छोटी छोटी सी। यस सर, देखो तो मैकेनिकल एनर्जी मस्ट बी कंजर्व, कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा जहां मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा, ठीक है। फ्रिक्शन अगर कहीं लगा हो तो, सरफेस रफ हो तो क्या ये अप्लाई कर सकते हो, रफ सरफेस के लिए अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, ये बताओ। नो सर, नहीं कर सकते, इस बात को दिमाग में रखना, रफ सरफेस के लिए हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। यस सर, और छोटा छोटा सा हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, ठीक है। जैसे देखो, अब आप लोगों को सब समझ में आएगा धीरे धीरे, यार ये तो इतना आसान बना दिया इसने। मान लो एक बॉडी है जिसका मास एम है, ये सब प्रॉब्लम आपने किया है क्योंकि मैं अप्लाई करा रहा हूँ इसको, इसलिए मैं जो है ना देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप ले लो इसे। मैं आपसे पूछूं, एक बॉडी है और वो एक स्मूथ सरफेस पे चलना शुरू करती है, मान लो हाइट इसकी कितनी है, एच है, ठीक, एच हाइट है, एंगल मान लो 37 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। पार्टिकल यहां से चलना शुरू करता है, t इज इक्वल टू जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, जीरो है, और वो यहां पहुंचता है यहां, ठीक, जस्ट बॉटम पे, जस्ट पोजीशन ए ये है, ए ये है, बी ये है। बॉडी का मास मान लो कितना है, m, कितना मास है, m। तो आपको बताना है, लिखो कि जब बॉडी बी पोजीशन पे आएगी तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट बी। ठीक है, अब ध्यान से समझो, मैं सिखा रहा हूं। क्या यहां कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हो, कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, क्योंकि यहां जो भी फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, ये सरफेस स्मूथ है, रफ हो जाता तो अप्लाई नहीं होता, इस बात को ध्यान से समझ, रफ होता तो अप्लाई नहीं होता, तो सरफेस क्या है, स्मूथ है, तो कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं, कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हो, इसका मतलब है देखो कितना आसान है। आप वहां जब देख रहे थे कि हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से अप्लाई, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके भी वेलोसिटी निकाले थे कि नहीं, बोलो। Yes, sir. अब हम यहाँ हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके वेलोसिटी निकाल देंगे। देखो कुछ नहीं करना है, जब भी आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हम बात करेंगे तो मेरे बच्चे, हम लोग एक पहला हमारा सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम एक रेफरेंस लाइन चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे, रेफरेंस लाइन। क्यों रेफरेंस लाइन चूज करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस लाइन जरूरी है कि नहीं जरूरी,
जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर रेफरेंस लाइन जरूरी है बच्चे, तो चूंकि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करने जा रहे हैं, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यही तो कहता है। यस सर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे बच्चे ये बताओ, क्या क्या पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको रेफरेंस लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। अब आपकी इच्छा, आप रेफरेंस लाइन कहीं पे भी ले लो, इच्छा आपकी, आप रेफरेंस लाइन कहीं पे भी ले लो, जहां आपकी इच्छा करे मेरे बच्चे वहां रेफरेंस लाइन ले लो। हाँ, लेकिन ध्यान ये रहे कि हम किसी एक पोजीशन पे, चाहे इनिशियल पोजीशन पे चाहे फाइनल पोजीशन पे, किसी एक पोजीशन पे रेफरेंस लाइन लें जिससे कि एक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए। यस सर। क्योंकि रेफरेंस लाइन पे जब बॉडी आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। अब बॉडी की दो पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है वो इनिशियल है कि फाइनल? इनिशियल। और ये वाली फाइनल। तो किसी एक पोजीशन पे आप पोटेंशियल एनर्जी, मतलब रिफरेंस लाइन ले सकते हो। रिफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। क्या होगी? जीरो। तो हमने मान लिया, हम मान लेते हैं कि इनिशियल फाइनल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी रिफरेंस लाइन ले लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ रिफरेंस लाइन ले लिया, दिस इज रिफरेंस लाइन। जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप लिखते रहना या इस वीडियो को फिर से चला के सुन लेना कि क्या कहा था। रेफरेंस लाइन हम कहीं पे भी ले सकते हैं, लेकिन हम वहां लेते हैं जिससे कि कम से कम एक पोटेंशियल एनर्जी, एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्यों? क्योंकि वो बॉडी जब उस पॉइंट पे पहुंचेगी तो वहां, क्योंकि रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। जीरो। क्लियर है? ठीक, ये पहली बात हो। दूसरी बात, जब हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं तो मेरे बच्चे हम दो चीजें देखते हैं, एक इनिशियल पोजीशन देखते हैं, दूसरी फाइनल पोजीशन देखते हैं। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के अलावा कोई और पोजीशन नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि कंजर्वेशन एनर्जी का है, और एनर्जी का कंजर्वेशन तभी होगा जब उस पर कंजर्वेटिव फोर्स होगा, और कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम पाथ देखेंगे कि नहीं देखेंगे? नहीं देखेंगे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखेंगे। तो हमारे सर कहते थे कि इनिशियल को देखो, उसके बाद सो जाओ, फिर फाइनल को देख लो, हो गया एनर्जी कंजर्वेशन। तो चलो इनिशियल को देखो, हमने इसको क्या माना है? ए को इनिशियल और बी को क्या माना है? फाइनल। चलो मेरे बच्चे, इनिशियल पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इसका जो वेट है वो mg है कि नहीं है, बताओ? यस सर। रेफरेंस लाइन से कितनी हाइट पे है ये? h। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल की कितनी होगी, बताओ? mgh। इनिशियल पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। यस। वेलोसिटी क्या है इनिशियल पे? जीरो। तो प्लस जीरो। अच्छा ये बताओ, ये हमने पोटेंशियल एनर्जी को पॉजिटिव किया, सही है कि गलत है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि रेफरेंस लाइन से ऊपर है। यस सर। अभी तो हमने साइन कन्वेंशन पढ़ाया कि नहीं, ये बताओ? यस सर। क्लियर है? तो रेफरेंस लाइन से ऊपर, इसलिए पॉजिटिव। अच्छा बराबर। अब हमने आंख खोला, कहां पहुंच गए? फाइनल पे पोटेंशियल एनर्जी बताओ। फाइनल पे जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि पार्टिकल कहां पहुंच चुका है? रेफरेंस लाइन पे। रेफरेंस लाइन पे। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बतानी है। हाफ एम वी बी का स्क्वायर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया सर। क्लियर है?
यस सर क्या यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगी? यस सर बताओ कितनी हो जाएगी? वीवी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, चलेगा कि नहीं चलेगा ये बताओ? वीवी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। अरे आया? यस सर। यस सर पक्का? यस सर। अब देखो एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा yes. दूसरा देखो, दूसरा दिखा दे रहा हूं। अगर मैंने रेफरेंस लाइन ये ले लिया, मान लो कुछ बच्चों को लगता होगा कि नहीं सर इनिशियल पे रेफरेंस लाइन ले लो, चलो ले लिया मैंने रेफरेंस लाइन, इसी में मैं दिखा दे रहा हूं आपको, फिर आगे दूसरा क्वेश्चन दूंगा तो आपको बनाना है। यही मैंने रेफरेंस लाइन ले लिया, यहां रेफरेंस लाइन ले लिया, आप देख बच्चे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। जीरो। काइनेटिक एनर्जी? जीरो। जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब वो यहाँ पे आ जाएगा तो कितनी हाइट नीचे आया? एच हाइट। तो रेफरेंस लाइन से नीचे पॉइंट है कि ऊपर पार्टिकल है कि ऊपर है? नीचे। नीचे तो माइनस है। माइनस एम जी एच होगा। यस सर। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल? हाँ बताओ वेलोसिटी कितनी है? वही याद है जो 2gh प्लस माइनस। नहीं आई बात सुन? आई सर। तो आप रेफरेंस लाइन कहीं पे लो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। क्लियरिटी है? यस सर। कहीं पे लो कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप यहाँ ले लो, चाहे आप यहाँ ले लो, चाहे कहीं बीच में ले लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। क्लियर है भाई? इसके अगर बीच में मान लेते हो तो इसके ऊपर प्लस और जब नीचे आ गया तो माइनस। माइनस ठीक है। अब देखो हमने क्वेश्चंस कराए थे कुछ आपको इसी पे बेस्ड, अब आपको लगेगा अरे यार ये तो कितना आसान हो गया। अब देखो यहाँ पार्टिकल था मास 2kg था, याद आ रहा है कुछ? यस सर जी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, टी इज इक्वल टू जीरो पे, याद आया? यस सर। ये मान लो 4 मीटर है, कितना मीटर है? 4 मीटर, सॉरी 3 मीटर दिया था मैंने एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में 4 मीटर दिया था, तो अभी फिलहाल मैं इसको 4 मीटर दे रहा हूँ, 3 मीटर दे रहा हूँ, और ये एंगल दिया था मैंने 37 डिग्री, ब्लॉक यहाँ पहुंच गया था। इस पॉइंट पे मैंने वेलोसिटी पूछा था आपसे, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दिस पॉइंट, क्या कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हो कि नहीं ये बताओ? यस सर। यस सर। रेफरेंस लाइन किसी को चूज कर लो, बताओ बी पे क्या वेलोसिटी होगी पार्टिकल की अगर ए पे जीरो है तो, किसी को रेफरेंस लाइन ले लिया हमने, जी की वैल्यू 10 ले लो, बताओ कितना होगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी? 2gh। सर वी भी आ रहा है प्लस माइनस रूट 60। रूट 60 कितना आया? प्लस माइनस रूट 60। रूट 60 ठीक है। देखो इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 2 × 3 × 10। यही तो होगा एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में जीरो, फाइनल पे काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इनिशियल पे सॉरी फाइनल पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम 2vv2। इसे टू गया, vv की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट ऑफ 60। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। इनिशियल वेलोसिटी हमने 2 मीटर पर सेकंड दे दिया था, अब देखो आंसर क्या हो जाएगा, इसको 2 मीटर पर सेकंड कर लो, दूसरा क्वेश्चन बनाओ फटाफट, अब बताओ क्या होगा। अब बोलो क्या होगा बी पे वेलोसिटी? रूट 64।
आ रहा है भाई सब कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। यस 64 वही सब आ रहा, कोई दिक्कत नहीं? देखो जब देखो इनिशियल पे काइनेटिक एनर्जी कितनी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, इनिशियल पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 2 × 3 × 10 हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। एम कितना है? 2। वी स्क्वायर कितना है? 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल पे पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 2 इंटू वीवी स्क्वायर। वीवी की वैल्यू निकाल लो कितना आ जाएगा, 2 को खा गया ये, 2 को खा गया 4, 60 64 अंडर रूट 64 खत्म। बोलो मेरे बच्चों। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? जी। कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर। नो सर। ठीक है। देखो मैं एक ऐसा पाथ दे देता हूँ, चलो ऐसे क्वेश्चंस बना लोगे फटाफट? यस सर। जी ठीक है। अब देखो मैंने एक ऐसा पाथ दे दिया, ठीक है, एक पार्टिकल यहां से चलना शुरू करता है, यहां से ये है, मान लो इसका मास है 2 kg और इस लाइन से ये लाइन है इसको दूसरे से बना लो, इस लाइन से इसकी हाइट है मान लो 3 meter, ये पार्टिकल चलते चलते यहां पहुंच गया, यहां इसकी हाइट है मान लो 1 meter, ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है। तो बताना है, लिखो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 2 m/s, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पोजीशन 2, क्या वेलोसिटी होगी पार्टिकल की पोजीशन 2 पे इफ path followed by the particle is smooth, there is no friction between particle and path. ठीक है ना? एनर्जी कंजर्व कर लोगे? यस कर लोगे। क्या रूट 34? रूट 34 सबका आ रहा है? हमने इसी को रेफरेंस लाइन ले लिया, कोई दिक्कत? नो सर। मैंने आपसे कहा था कहीं पे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, यही इसी को रेफरेंस लाइन ले लिया हमने। अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सर रूट 34 है। कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पाथ पर डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट नहीं है, जो यहां फोर्स है ना वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, पाथ फ्रिक्शनलेस है, मतलब यहां जो भी फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम यहां एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, तो करना है। चलो यू आई प्लस
KF, sorry, KI is equal to UF plus KF. Plus kinetic energy. चलो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोलो, अगर इसे रेफरेंस लाइन ले आया तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई? MGH यस सर, एम है आपका, 2G है, 10H है, 3 चलेगा यस सर, प्लस काइनेटिक एनर्जी बोलो वहां पे, हाफ एम 2 × V² 2 का स्क्वायर बराबर। फाइनल पे पोटेंशियल एनर्जी बोलो, रेफरेंस लाइन से हाइट पे है ना जी, बताओ कितना होगा? 2 × 10⁻¹¹ को खा गया, यहाँ भी 2 गया, यहाँ भी 2 को खा गया, 64 है मजेदार? यस क्या चीजें दिमाग में रखनी है ये भी समझ में आ गया कि हमको यही यही चीज रखना है दिमाग में, तभी हम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। yes, जैसे अगर मान लो उसने ये कह दिया कि मेरे बच्चे ये बता, अगर मान ले कि यहाँ उसने खून की नदियां बहा दी, मतलब सरफेस को रफ कर दिया, क्या कर दिया? रफ कर दिया। और आपसे यहाँ वेलोसिटी पूछ रहा है पार्टिकल की, तो क्या अब कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हो कि नहीं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कहाँ तक अप्लाई कर सकते हो? यहाँ तक, यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहाँ तक अप्लाई कर लो आप, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ क्या अप्लाई कर सकते हो? वर्क एनर्जी थ्योरम, नेट फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काम खत्म? नहीं आई बात समझ? आई सर। यहाँ से यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम तो अप्लाई कर सकते हो ना? यस सर। यहाँ से पहले आप क्या अप्लाई कर सकते हो? वर्क कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेटिंग, ठीक है? यस सर। क्लैरिटी है? Yes, sir. Yes, sir. इसमें अब कुछ नहीं, देखो एक्चुअली क्या है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे बच्चे, ये बताओ मैं आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या कर सकता है ये देखो, मैं वो भी बता देता हूँ कि कैसे आप सोचोगे कि यार ये क्वेश्चन अच्छा, इसमें ये पूछा था, ये नहीं पूछा था, ये पूछ सकता है, ये नहीं पूछ सकता है। देखो कैसे इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ये कह सकता है आपसे कि ये बताइए, पहला क्वेश्चन मैं पहला तो ये हो गया कि भैया यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, एक क्वेश्चन तो ये हो गया जो कि हम निकलवा रहे हैं। yes, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि किसी भी पार्टिकल को कितनी हाइट से यहाँ रिलीज किया जाए कि वो पार्टिकल यहाँ पे जब पहुंचे तो उसकी वेलोसिटी 244 मीटर पर सेकेंड हो जाए। यस सर। नहीं? यस सर। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। यस सर, हो सकता है। क्लियर है? yes, पार्टिकल को क्या कह सकता है कि एक पार्टिकल जिसका मास 2 kg है, उस पार्टिकल को हम किसी हाइट h से रिलीज करना चाहते हैं जिससे कि वो पार्टिकल जब यहाँ पहुंचे 1 meter हाइट पे तो उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाए। यस सर। तो क्या हाइट निकाल सकते हो? यस सर। दूसरी चीज कि कोई पार्टिकल या बॉडी 2 kg मास का है, उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, उसको इतनी हाइट से छोड़ा गया, तो बताइए कि वो यहाँ कितनी हाइट, कितनी हाइट पे पहुंच जाए जिससे कि उसका जो
वेलोसिटी वेलोसिटी है वो जस्ट जीरो हो जाए, जस्ट स्टॉप हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर हो सकता है। क्लियर है? या yes. तो यहाँ यहाँ की कंडीशन देख के, यहाँ की कंडीशन देख के, यहाँ की एक कंडीशन देख के दूसरी पूछ लेगा जी, या तो यहाँ की दोनों कंडीशन देख के यहाँ की एक देख के दूसरी पूछ लेगा जी। यस yes, मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो इसी में घूमता रहेगा उस? yes. क्लियर है? यस सर। यस इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। काम खत्म।